સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો નવી પેઢીની યુવતીઓ દેશ માટે કંઈક કરી છૂટવા માટે ઉત્સુક છે અને આ વાતનો પુરાવો યુપીના લખનૌમાં જોવા મળ્યો. ઘટનાની વાત કરીએ તો લખનૌમાં યુવતીઓ માટેની જનરલ ડ્યુટીની પોસ્ટને લઈને યોજાયેલી ઇન્ડિયન આર્મી રિક્રુટમેન્ટ રેલીમાં હજારો યુવતીઓએ ભાગ લીધો. આ દ્રશ્યો છે લખનૌમાં આર્મીમાં જનરલ ડ્યુટી પોસ્ટ માટે યોજાયેલી ભરતી પરીક્ષાના. ખાસ યુવતીઓ માટેની આ ભરતી પરીક્ષામાં ભાગ લેનારી તમામ યુવતીઓમાંથી કુલ 100 યુવતીઓને સિલેક્ટ કરવામાં આવશે. રિક્રુટમેન્ટ રેલીમાં ભાગ લેવા અલ્હાબાદ, રાયબરેલી અને ઉન્નાવ જેવા યુપીના અલગ અલગ શહેરોમાંથી યુવતીઓ અહીં આવી પહોંચી હતી. આર્મી કે લિયે દેશ કે લિયે કુછ કરના વૈસા મેં સ્પોર્ટ્સ કરા. સ્પોર્ટ્સ મેં મારા ઓલિમ્પિક કે ટાઈચર ભી જૂનિયર નેશનલ લોગ કો ખેલના હૈ તો અભી ફર્સ્ટ ટાઈમ એજ હુઆ તો આર્મી કી તૈયારી કર લિયે હૈ કે દેશ કે લિયે કુછ કરના ઇસલિયે સ્પોર્ટ્સ ભી ચલ રહા હૈ હમારા સાથ મેં ઉસકા નેશનલ હો રહા હૈ. तो कैसा लगा यहाँ करके आज आप आए हैं, काफी कुछ क्वालिफाई करके आप यहाँ तक? बहुत अच्छा लगा, सबसे ज्यादा अच्छा लगा यहाँ के पुलिस फोर्स को देख के एकदम डिसिप्लिन में एक्टिव से मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोग भी डिसिप्लिन में ही रहते हैं, हॉस्टल में है यहाँ अमौसी की स्पोर्ट. क्या मन करता है कि कुछ करने के लिए इसीलिए आर्मी में रिक्रूटमेंट चाहते हैं? आर्मी में रिक्रूटमेंट चाहते हैं कि देश के लिए कुछ करें, इसलिए स्पोर्ट्स का भी वही सहारा लें, स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं साथ में. कैसा लग रहा है बहुत सारे बच्चों को क्वालिफाई करके आप यहाँ तक आए? बहुत अच्छा लगा क्योंकि 100 बच्चों के साथ दौड़ाया गया, उसमें से फर्स्ट आना कोई मामूली बात नहीं, लेकिन मेहनत ही रंग लाती है. फीलिंग वेरी गुड एक्चुअली. दिस इज माई, यू कैन से दिस इज माई ड्रीम जॉब एंड इफ आई एम जस्ट क्वालिफाइंग इट, दैट्स अ बिग बिग यू कैन से अचीवमेंट फॉर मी. सो फीलिंग वेरी गुड. क्यों आर्मी कोई चूज किया? क्यों अगर कहें तो मैंने बचपन से ही पापा को देखा है एंड मैं कैंट एरिया में रही हूँ तो यू नो मैंने वो लाइफ स्टाइल देखा है एंड मैं बस उसी में जाना चाहती हूँ. एंड दिस यू कैन से कि ये फर्स्ट बैच है तो वी आर गेटिंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू जस्ट सर्व आवर नेशन. भर्ती परीक्षा में भाग लेवा आवेली तमाम युवतियों में आर्मी में जोड़ाईने देश माटे कई करी छूटवानो जोश छलकातु हतु. फर्स्ट टाइम आर्मी की वैकेंसी आई इसलिए मुझे देश की सेवा करना पहले से पसंद था और फिर मेरे विलेज से कोई है नहीं लड़कियों में, इसलिए हम चाहते हैं देश की सेवा करना. आपको लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के? आप बहुत सारे बच्चों को कंप्लीट करके यहाँ तक आई हैं, कैसा? हाँ, लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बस फाइनल जॉब मिल जाए इसमें. तो आप आर्मी को ही चाहते थे, आपने आर्मी एज अ गर्ल आप चाहते थे कि आर्मी को चूज करें? हाँ, आर्मी ही चूज करें, लेकिन नहीं, इससे पहले मैंने डिफेंस देख चुके हैं. जैसे इससे पहले मेरा फिजिकल उसका हो चुका है, RPF का, और उसका था पुलिस का, उसमें मेरा रेस में रह गया. अब आज फाइनली आप क्या? आज फाइनली बस जॉब मिल जाए, देश की सेवा करें. आर्मी आपको पसंद है? हाँ, आर्मी बहुत पसंद आपको है. नहीं लगता कि एज अ बीइंग अ गर्ल आपको कुछ कोई? नहीं, कुछ नहीं, बस आर्मी में हो जाए. भारत ना 5 जुदा जुदा राज्यों में आ प्रकार की रिक्रूटमेंट रेली नु आयोजन करवामां आव्युं छे. आज थी शुरू थयेली आर्मी रिक्रूटमेंट रेली 20 सप्टेम्बर सुधी चालशे. आ रिक्रूटमेंट रेलीओ ने लईने जे प्रकारे युवतीओ मां उत्साह जोवा मळे छे ते दर्शावे छे कि आगामी समय मां युवतीओ पण युवकोनी जेम देशनी सेवामां खभे खभो मिलावी साथ आपवा तैयार छे. ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, गुजरात.